नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं देशहित न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। सीएजी के अनुसार किसान सहायता कार्यक्रम जिसने बिजत को 2019 के उड़ीसा चुनाव जीतने की मदद की को अयोग्य लाभार्थियों ने 782 करोड़ रुपए लाभान्वित हुए। आगरा को विरासत शहर के रूप में नामित करने की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। त्रिपुरा के एक व्यक्ति की भागने की कोशिश के कुछ दिनों बाद मौत हो गई। परिवार ने पुलिस और लड़की के रिश्तेदारों पर मारपीट का आरोप लगाया। रूसी सेना में भर्ती होने के लिए छल किए गए 6 युवा प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद घर लौट रहे हैं। कनाडा के भारतीय उच्चायोग पर हमला, एनआईए ने पंजाब में छापेमारी की। इंजीनियर राशिद, जिन्हें भाजपा एजेंट कहा जाता है, राहुल और मोदी पर निशाना साधते हैं लेकिन किसी पर भी अपना दरवाजा बंद नहीं करते। यात्रियों से वहां न जाने का आग्रह किया गया क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आरोपी को गोली मार दो या मुझे गोली मार दो, महू में 2 सैन्य अधिकारियों और उनकी महिला मित्रों पर हमला होने के एक दिन के बाद बलात्कार पीड़ित ने कहा कि आरोपी को गोली मार दो या मुझे गोली मार दो। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई है। SBI ने आवास ऋण विवाद की निगरानी कर रहे मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बराह सुनवाई का अनुरोध किया। सार्वजनिक करना उचित नहीं, वकीलों और पूर्व न्यायाधीशों ने पीएम मोदी के CGI चंद्रचूड़ के घर जाने पर सवाल उठाए। जयशंकर ने कहा कि चीन ने 75% मुद्दे सुलझ गए हैं। 22 अक्टूबर को ब्रिक्स बैठक के दौरान पुलिस ने मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुधार करो या मरो रणनीति प्रस्तुत की। पश्चिमी तट पर बढ़ती शत्रुता के बीच भारतीय मूल के इजरायली सैनिक मारे गए। अमेरिका अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 स्थायी सीटें देने का समर्थन करता है। तनाव के बीच स्पेन के प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला के विपक्षी अधिकारी से बातचीत की। JVP नेता अनुरा कुमार दिशाए नाके का तर्क है कि नक्सलवाद को खत्म करना, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूस ने 6 ब्रिटिश राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है जिनके बारे में उसका दावा है कि वे गुप्तचर गतिविधियों सहित विश्वंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं।